हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड की वायरिंग के बारे में एक लोग पूछ रहे थे, एक हमारे सब्सक्राइबर थे वो पूछ रहे थे। तो ये हमारे पास एक बुलेट आई हुई है और इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है और बंद हो रही है, इसमें ये दिक्कत है। और जबकि इस बंदे ने CDI डाल दिया है इसकी, इसमें ऑलरेडी ये न्यू CDI डली हुई है, बावजूद इसके इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो आइए दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसे चेक करना है और कैसे कैसे आपको चीज़ें चेक करनी है। तो ये देखिए, चाबी हमने ऑन कर ली है और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये हम स्पार्क प्लग चेक करते हैं तो करंट मार, देखिए कभी कभी गाड़ी चालू हो रही है, कभी कभी बंद हो जा रही है, चालू होकर गाड़ी बंद हो रही है दोस्तों, ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ये देखिए, किक मारे जा रहे हैं बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और इसमें स्पार्क कभी कभी आ रहा है दोस्तों और कभी कभी नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, ज़्यादातर यही रीज़न होता है, ये जो चॉकलेटी वाला वायर होता है दोस्तों, इसी में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो आपको पहले तो देखिए इसे वो बाईपास कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका जो फ्यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से ना हो या इसके सॉकेट में जंग आ गया रहे, तब हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक गाड़ी में देखिए किक स्टार्ट हो गई है हमारी, देखिए हमने इसे बाईपास किया तो ऐसा हो रहा है, तो एक किक में स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसके जो चॉकलेटी वायर में दिक्कत है। तो ये देखिए, कभी कभी हमारी गाड़ी एक किक में स्टार्ट हो जा रही है, कभी कभी इसको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब स्टार्ट होके बंद पड़ जा रही है, अचानक सडनली ये बंद हो जा रही है। ये देखिए आप स्पार्क देख सकते हैं, बहुत ही बारीक स्पार्क आ रहा है। तो आप जैसे ही हल्का सा दूर रखेंगे स्पार्क के वायर को, तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप मत कीजिएगा, वरना आपको करंट थोड़ा लग सकता है। तो इस वजह से आप हाथ से पकड़ने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ कुल आप देखिए वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब आप स्पार्क प्लग के पास में आप पकड़े हो तार को, तो संभाल के पकड़िएगा। तो ये देखिए, निकालने के बाद में भी गाड़ी स्टार्ट है हमारी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए ये कंडीशन में भी देखिए गाड़ी हमारी रेस बराबर ले रही है और स्टार्ट है। तो अभी हमने इसको बंद कर दिया है, अभी हम इसे बंद करते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि बंद करने के बाद में भी क्या है, ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो अब आप देखिए दोस्तों कि देखिए गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो रही है, ये देखिए। अब किक पर हम किक मारेंगे बट ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उसमें यही समस्या है दोस्तों कि इसके ये गाड़ी स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है, स्टार्ट होती है बंद हो जाती है। तो इसमें CDI नहीं डली हुई है और ऐसी कंडीशन में देखिए अगर करंट नहीं आ रहा तो परेशान हो जाएंगे आप कि क्या किया जाए। तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, देखिए बाईपास मैंने फिर से इसको कर दिया है, मैं क्योंकि फ्यूज़ का ज़्यादातर मसला होता है, तो भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि देखिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीमीटर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपके पास में मल्टीमीटर है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए, ये बल्ब जल रहा है, इस तरफ हमने चॉकलेटी वायर के इस तरफ हमने लगाया क्योंकि इधर पर 12 वोल्ट आता है, तो इस तरफ लगाया। दूसरे सिरे पे हम लगाते हैं इसको वायर को और फिर चेक करते हैं बल्ब जलता है कि नहीं। तो आइए दिखाता हूँ, तो दूसरे सिरे पे भी हमने लगा कर चेक किया तो ये बल्ब जल रहा था दोस्तों। तो आपको आपके पास में अगर मल्टीमीटर होगा तो बहुत ही मुफीद है वो चीज़, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका जो करंट है वो ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 12 वोल्ट पूरे आना चाहिए बैटरी से। जब वोल्टेज आ रहा है तो आपके किल स्विच के थ्रू आना चाहिए, तो पूरा 12 वोल्ट आना चाहिए आपके इस फ्यूज़ में। अगर 12 वोल्ट नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपका वायर ब्रेक है दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपका 5, 6, 7, 8, 10 ऐसा आपका वोल्टेज आ रहा है तो ये समझ जाइए कि आपका वोल्टेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जो DC वोल्ट होता है दोस्तों वो ड्रॉप होता है अगर आप लंबी वायरिंग लंबी तार अगर वो करें। तो ये देखिए, ये अगर वायर कहीं पर भी ब्रेक होगी DC वायर, तो वो आपकी देखिए ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में बहुत तकलीफ़ देगी और ब्रेक होने की वजह से क्या करंट प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें करंट नहीं आ रहा है अभी। तो बहरहाल हमने देखिए टंकियों की निकाल लिया और चेक करते हैं अब इसकी वायरिंग को। तो वायरिंग आपको कैसे चेक करना है, अगर आपको किल स्विच को डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, रेड एंड ब्लैक वायर है आपका इधर आगे साइड में किल स्विच में, तो ये चॉकलेटी के थ्रू होते हुए जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जो आपका फ्यूज़ होता है, पहले आपको वहाँ पर चेक कर लेना है, रेड एंड जो ब्लैक वायर है वो उसके थ्रू आते हुए आपके किल स्विच में आता है, किल स्विच से आपके चॉकलेटी वाले वायर में जाता है। तो किल स्विच आप जैसे ही ऑन करते हैं तो ये देखिए चॉकलेटी वाले वायर में
करंट सप्लाई होता है। तो हमने इसको देखिए बाईपास कर दिया, अभी किल स्विच का कोई काम नहीं है, आप किल स्विच ऑन रखें ऑफ रखें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं है, किल स्विच का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप किल स्विच बाईपास करने के बाद में भी ये नहीं स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो अब मैं बताता हूँ। पहले तो आपको इसका रेजिस्टेंस, ये देखिए ये जो दो पिकअप कॉइल हैं इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। तो ये जो दो वायर हैं वो आपकी TCI यूनिट में आई हुई है, तो इसकी रेजिस्टेंस आपको चेक कर लीजिए। ये 300 के आसपास, मतलब 350 तक का जाएगी, ऐसे आपका पिकअप कॉइल की रेजिस्टेंस रहेगी दोस्तों। तो इसका वीडियो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे पिकअप कॉइल चेक करना है। और जो तीन वायर जो आती हैं मैग्नेट से वो आती हैं आपके चार्जर में, और जो दो वायर जो होती हैं पिकअप कॉइल वगैरह की वो आती हैं आपके TCI यूनिट में, ये आप समझ लीजिए। तो ये आपने चेक कर लिया। और ये जो चॉकलेटी वायर आती है आपकी, ये आपकी किल स्विच से आती है दोस्तों, जो किल स्विच आपका होता है उसके थ्रू डायरेक्टली आती है आपके इस TCI यूनिट में। तो यहाँ से ये आती हुई आपकी आएगी इस, ये देखिए इस रेड वाली वायर के थ्रू। अब जब किल स्विच ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए सॉकेट यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो करंट का आग पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। ये देखिए ये दो वायर को आपको बाईपास कर देना है। बाईपास करने के बाद में आपको आपका किल स्विच डायरेक्ट हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे आपका करंट प्रॉपर मैनर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर मैनर में आ रहा है बट फ्यूज़ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भी आपको चेक कर लेना है इस चॉकलेटी वाली वायर में आ रहा है कि नहीं आ रहा करंट। अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको वायरिंग चेक करनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि इस गाड़ी में भी वायरिंग की दिक्कत है। तो इस चॉकलेटी वाली वायर में भी आपका करंट डायरेक्टली आना चाहिए दोस्तों। तो और ये जो बाकी वायर हैं वो मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा कि कौन कौन सी वायर किस में गई है। तो आपकी बाटला कॉइल वगैरह में गई है, मतलब HT कॉइल में गई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, और डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। ये देखिए जो आपके तो जो राइट साइड का हमारा देखिए हैंडल होता है दोस्तों, वहाँ से हार्नेस जाने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारे जो वायर्स होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। तो कभी कभी हमारी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से अर्थिंग नहीं मिल पाती। ये हमारी हमारी मतलब CDI को या हमारी ST कॉइल को प्रॉपर तरीके से करंट नहीं मिल पाता जो 12 वोल्ट होता है। तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी क्या होती है, बंद हो जाती है सडनली दोस्तों, ये बंद होती है। और आप CDI डाल देते हैं, इग्निशन कॉइल डाल देते हैं, आप राइट साइड का स्विच डाल देते हैं, तभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करना है कि आपकी वायरिंग हार्नेस जो है उसमें से चॉकलेटी वायर या ब्लैक वायर या कोई भी जो भी आपकी वायरिंग होती है वो कटी पिटी तो नहीं है, या अगर कटी नहीं है तो आप उसको खींच कर, मतलब आप राइट साइड का जो कवर होता है टेपिंग वाला तो उसको हटाइए और उस पर किस थोड़ा थोड़ा खींचिए आप वायर को। खींचेंगे तो अगर जो वायर अंदर से सड़ गई होगी तो वो टूट जाएगी दोस्तों। टूटेगी तो क्या होगा, जो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था जो कि फ्यूज़ के पास में जाते जाते या फ्यूज़ से होते हुए जो ड्रॉप हो रहा था आपका वोल्टेज जो कि 8-9 दिखा रहा था, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी वायरिंग हार्नेस बराबर नहीं है, इसकी वजह से आपका जो करंट है वो ड्रॉप हो रहा है और आपके ST कॉइल को प्रॉपर तरीके से करंट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल दे रही है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है बट बंद पड़ जा रही है, आपकी चॉकलेटी वायर में करंट नहीं आ रहा है। तो अगर आपने सब चीज़ें चेक कर ली हैं तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि आपकी वायरिंग हार्नेस में कभी कभी दिक्कत होती है और आप बाकी चीज़ें चेक करते रह जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं वापस सबको दिवाली की हाथ।